गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने 10C का क्वेश्चन नंबर 1 देखा था, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ऐड, ठीक है। तो हमें डिजिट्स दी गई हैं 82 किलोग्राम 250 ग्राम, लिख लेंगे हम एक साइड किलोग्राम एक साइड ग्राम। 82 किलोग्राम 250 ग्राम, 22 किलोग्राम 400 ग्राम, 8 किलोग्राम 815 ग्राम। ऐड करेंगे इनको, 0 प्लस 0 प्लस 5 5 प्लस 1 6 8 प्लस 4 12 13 14 14 का 4 1 कैरी 8 टू 10 12 1 13 8 और टू 10 प्लस 1 11। तो आपका आंसर आ गया 113 किलोग्राम 465 ग्राम, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1, जिसका ए पार्ट मैंने समझाया है, बाकी दोनों पार्ट आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, करके देखेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, चेंज इन टू स्मॉलर यूनिट्स एंड ऐड। तो ए पार्ट हम नोट कर लेते हैं, 3 किलोमीटर 48 मीटर एंड 25 किलोमीटर 135 मीटर। तो स्टूडेंट्स, इसको पहले हमें स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हमें चेंज करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 3 किलोमीटर को चेंज करना है, तो 3 किलोमीटर इक्वल्स टू 3 इंटू 1000 इक्वल्स टू 3000 मीटर, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, तो 3000 ये तो मीटर हो गया, प्लस 48 भी बचा है, तो ऐड करेंगे तो 3048 मीटर ये आ गया। सिमिलरली 25 किलोमीटर को मीटर में जब चेंज करेंगे तो 25 इंटू 1000 हो जाएगा, तो ये हो गया 25,000 मीटर। 25,000 मीटर प्लस 135 मीटर, इनको ऐड करेंगे तो आएगा 25,135 मीटर। अब दोनों को क्या कर देंगे, दोनों को कर देंगे ऐड, तो 25,135 मीटर प्लस 3048 मीटर, 8513 फोर 3718 15382, ये आ गया स्टूडेंट्स आपका 28 किलोमीटर 183 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एक पार्ट मैंने आपको समझाया है सॉल्व करके, बाकी आप खुद सॉल्व करके देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।